स्वागत है गाइस टेक के भी चैनल पे। तो गाइस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के बाद दोबारा से एक और बहुत बड़ी सेल आ रही है और नाम है दिवाली सेल। और यदि आप प्राइम मेंबर हो फ्लिपकार्ट के तो भाई 20th of October से आप इस सेल का फायदा उठा सकते हो। और यदि प्राइम मेंबर नहीं भी हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 21st of October से आप सारे के सारे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। दिवाली सेल पे कुछ स्मार्टफोन्स पे डिस्काउंट है जो कि सिमिलर थे जो बीबीडी सेल में आए थे, वैसे ही सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई देखो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पे जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सबसे पहला ऑफर इन्होंने हाईलाइट किया है वो है आईफोन 15 का और उन्होंने प्राइस मेंशन करी है 50,000 रुपये। तो भाई 50,000 रुपये में नहीं देखने को मिलेगा, ये एक्सचेंज का प्राइस इंक्लूड करके बता रहे हैं। तो यदि आप एक्सचेंज का प्राइस हटा दोगे मतलब आपको डिवाइस ट्रेड ऑफ नहीं करना है तो भाई आपका जो प्राइस है आईफोन का 52,000 से 53,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा, 128 GB वेरियंट। तो भाई जिनको आईफोन 15 खरीदना था तो भाई ये अच्छा टाइम है खरीदने का दिवाली सेल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल इन्होंने हाईलाइट कर रखी है, नेक्स्ट डिवाइस जो है आईफोन का 15 प्लस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये में। अब भाई देखो 15 और 15 प्लस ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ी सी जो स्क्रीन साइज है वो बड़ी कर दी 15 प्लस के अंदर, आपको बैटरी बहुत बड़ी मिल रही है इन कंपैरिजन टू आईफोन 15। तो यदि आपकी प्रायोरिटी है बड़ी बैटरी लाइफ और आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो भाई 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आईफोन 15 प्लस में। तो ये आपकी प्रायोरिटी, आपको क्या पसंद आता है, बट यदि आप मेरे से पूछोगे तो आईफोन 15 इज मच बेटर, या 10,000 रुपये बचा लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ का फर्क पड़ेगा बट उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, प्रोसेसर सेम है, सब कुछ डिटू सेम है। तो आईफोन 15 50,000 रुपये में इंक्लूडिंग एक्सचेंज बहुत बढ़िया डील हो जाती है। अब जो दूसरी डील ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं वो है सैमसंग की S23 5G जो बहुत लोग वेट कर रहे थे जिन्होंने मिस कर दिया था। तो भाई दोबारा से अभी जो प्राइस है वो 38,000 रुपीज़ आ जाएगी सेल में 128 GB वाले वेरिएंट की, और यदि आप बात करोगे 256 GB वाले वेरिएंट की तो उसकी प्राइस पहुंच जाएगी 42,000 रुपीज़ तक इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट। यहाँ पे एक्सचेंज के ऑफर्स नहीं लगा रहा हूँ मैं बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद आपको फाइनल प्राइस भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सैमसंग S23 दोबारा से 38,000 में आ रहा है 128 GB वाला वेरियंट, यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट ये ध्यान रखना 128 GB स्टोरेज वाला जो सैमसंग S23 है उसमें UFS 3.1 है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसका जो 256 GB वाला वेरियंट है उसकी तरफ जाना, वहाँ पे आपको UFS 4.0 देखने को मिलती है, वो फास्टर स्टोरेज है इन कंपेरिजन टू UFS 3.1, ठीक है। इसके बाद गाइस उन्होंने हाईलाइट करी सैमसंग S24 Plus 65,000 रुपीज़ का। तो भाई अभी इसको स्किप मार दो, इसमें एक्जीनोस का प्रोसेसर है और आगे आने वाले टाइम के अंदर इसका जो प्राइस है बहुत रिड्यूस होने वाला है। इसके बाद इन्होंने एक और डील हाईलाइट करी है CMF Phone 1 128 GB वाला जो कि आपको 12,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये डील भी सही है। और Nothing Phone 2 यदि आप लेना चाहते हो 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज जो कि आपको मिल रहा है 20,500 रुपीज़ का, तो भाई इसकी तरफ भी आप देख सकते हो, ठीक है। भाई Nothing Phone 2 Plus को स्किप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, OPPO K12X कोई काम का नहीं है, बकवास है। Moto G85 8 GB RAM 128 GB आपको 16,000 रुपये का देखने को मिल रहा है, आपको बोलूंगा भाई इसको भी स्किप मारो क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर के इश्यूज है इसके अंदर, भले ही आपको ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पे नहीं आते हैं और ये मोटोरोला की हिस्ट्री बन चुकी है। तो और कैमरा भी मैं बोलूंगा इतना कुछ खास है नहीं। इसके बाद यदि हम बात करें Realme 12X 11,500 रुपये का आप देख सकते हो, यहाँ पे Galaxy S23 FE अभी आप इसका प्राइस देखोगे तो 28,999 दिखा रहा है, मतलब 29,000 रुपीज़ का आपको बेस वेरियंट देखने को मिल जाएगा। वही बेस वेरियंट यदि आपको खरीदना है बीबीडी सेल में और सस्ते में बिका था, अभी ये 1,000 रुपये ज़्यादा में बिक रहा है दिवाली सेल पे, बट ओवरऑल इसकी प्राइस भी ठीक है। यदि आपका बजट 30,000 से कम का था 128 GB वाला वेरियंट आपके लिए सफिशियंट है तो भाई सैमसंग का S23 FE भी आप देख सकते हो। उसके बाद Moto H50 ठीक ठाक बोलूंगा, Vivo 33X ओके है, रियलमी का P1 देख सकते हो, यदि आपको एमोलेड स्क्रीन चाहिए 13,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर तो वो ठीक है। मोटोरोला का H50 जिनको खरीदना है देख सकते हैं, सैमसंग A14 स्किप मार दो, Poco M6 5G देख सकते हो, Moto G64 स्किप मार दो, Vivo T3 Lite भी स्किप मार दो। इसके अलावा Pixel 8 भाई मिल रहा है आपको 36,500 रुपीज़ का, Pixel 8 मत लेना, बहुत सारे इश्यूज है इसके अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, यदि आप सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो बहुत टाइम लगता है अपडेट करने के अंदर और बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज अभी भी इस डिवाइस के अंदर हैं। तो भाई बहुत सारे इश्यूज है पिक्सल 8 में, मेरे हिसाब से 36,000 से 37,000 रुपीज़ खर्च करना वर्थ इट नहीं है। इसके बाद यदि Nothing Phone 2 पे आ जाते तो देख सकते 21,000 के आसपास का मिल रहा है, Vivo T3 Pro ठीक ठाक है 22,000 रुपये के आसपास जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत सॉलिड लाके आपको दे रहा है। बाकी इस नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बस यही बस मेजर डील्स थी। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे मेजर डील्स हैं फ्लैगशिप लेवल में आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, सैमसंग का S23 इन डिवाइस की तरफ आप देख सकते हो। इसके अलावा रियलमी का जो P1 डिवाइस अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसकी तरफ भी आप देख सकते हो क्योंकि आपको एक एमोलेड स्क्रीन 13,000 रुपये का इसमें देखने को मिल रही है। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि भाई कौन सा डिवाइस आप खरीदने वाले हो, फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने वाले हो, अंडर 20,000 खरीदने वाले हो, सारे डिवाइसेस के लिस्ट मैंने आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर, कौन सा आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो वीडियो में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट बिंदा तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, अभी टाटा बाय बाय, सी यू।